बारिश ने अपना रुख एक बार फिर से अपना लिया है। बारिश के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। सोमवार को देर शाम से हो रही बारिश से सड़कें फिर से बाधित होने लगी हैं। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भारी बरसात के कारण दो दर्जन सड़कें बह गई, जिससे कि लोगों का सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। लेकिन लोक निर्माण विभाग सड़कों की मरम्मत की बजाय कुंभकर्णी की नींद सोया हुआ है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ समय पहले ज्वाली सुनेहर ठंगर फारिया सड़क पर विभाग द्वारा रोड़ी पत्थर 2 महीने से डाली गई, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, जिससे राहगीर लोगों, स्कूली छात्रों व वृद्ध लोगों को गुजरना इस सड़क से मुश्किल हो गया है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के SDO ज्वाली युद्धवीर सिंह का कहना है कि बरसात हटने के बाद सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि इस संबंध में ठेकेदार को भी नोटिस जारी करके कहा गया है कि इस सड़क को शीघ्र ठीक किया जाए। इसमें एक्चुअली बरसात काफ़ी हो रही है इस बार नहीं, हम कोशिश करेंगे जैसे बरसात खत्म होगी इसकी मरम्मत कर दी जाएगी नहीं, और जो आगे कंट्रेक्टर का काम उसको भी हमने चिट्ठी लिख दी है, उसको बोल दिया मतलब मौखिक तौर पर बोला कि काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए इसका, नहीं 10-15 दिन में इसका काम जो है कोशिश करेंगे खत्म करने की। जहाँ पर रोड़ी डाली हुई है। धर्मशाला से अनिल छांगू की रिपोर्ट।